हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। और देखिए, आज हम यहां पर ला रहे हैं आपके लिए विश्व भूगोल पर लेक्चर नंबर 14, यानी आपका 14वां लेक्चर है विश्व भूगोल पर। और देखिए, आज हम यहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे। आज यहां पर इसकी भूमि और जलवायु के बारे में जानेंगे। देखिए, यूरोप महाद्वीप का आज यहां पर यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में यह आज आपका भाग एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं यूरोप की कहाँ अवस्थिति पड़ रही है, ये किस तरफ पड़ रहा है। और भारत से अगर देखते हैं कि भारत के संदर्भ में, भारत से हम किस ओर जाएंगे तो हम यूरोप तक पहुँच पाएंगे, तो पहले हम इसे जो है ग्लोब पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा ग्लोब। ठीक है, यानी गूगल 3D मैप है, ये ग्लोब ही है हमारा। अगर हम भारत की स्थिति में देखें, यानी भारत से इसकी अवस्थिति देखें, तो भारत के ये कहाँ पड़ रहा है, यानी भारत का ऊपर वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा, उत्तर बोला जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो बोला जाएगा पश्चिम बोला जाएगा। ये भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, यानी यूरोप की जो स्थिति है ये भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो पूरा पुर्तगाल से आयरलैंड आपका, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, और यहाँ तक ग्रीस नीचे। तो ये पूरा हिस्सा जो है आपका, जो है ये कहाँ पड़ रहा है, ये आपका पड़ता है आपका भारत के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और देखिए, यहाँ अगर ये वाली आप रेखा देख पा रहे हो डॉट डॉट करके जो जा रही है रेखा, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा है हमारी। विषुवत रेखा से स्थिति अगर देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है पूरा ये। ठीक है, और उच्च अक्षांशों के मध्य है ये, उच्च अक्षांश यहाँ पे पड़ते हैं, यानी कि आप पता होगा मैंने बताया भी था कि ऊपर 90 डिग्री अक्षांश तक होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश तक होते हैं। ठीक है, तो ये यूरोप जो उच्च अक्षांशों में स्थित है। अब चलिए वहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें नोट करना है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं अगर यूरोप की। देखिए, यूरोप में क्या है, यहाँ पर तमाम प्रायद्वीप हैं, यानी कि यूरोप देश की जो स्थलखंड है यहाँ पर तमाम प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। और यूरोप में तमाम प्रायद्वीप हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला यूरोप महाद्वीप जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 6वें स्थान पर है, विश्व में इसका 6वां स्थान है। आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ा महाद्वीप देश बोल रहा हूँ मैं, महाद्वीप जो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे पर यूरोप, और 7वें पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल भू क्षेत्र का 6.7% है, यानी विश्व के भू क्षेत्र का, विश्व के 100% भू क्षेत्र का 6.7% स्थल भाग किसके पास है, आपके यूरोप के पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट भी आपने लेना, देखिए इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में अगर हम देखें, उत्तर में यहाँ पर उत्तरी ध्रुव सागर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव सागर है इसके उत्तर में। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसके मेडिटेरियन सी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि भूमध्य सागर के नाम से जो फेमस है, इसे मेडिटेरियन सी कहा जाता है। इसके दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। पश्चिम में इसके क्या है, यानी पश्चिम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हुआ, तो पश्चिम में इसके अटलांटिक, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जिसे हम बोलते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर है। तो आप लिख लेना इसका सब पॉइंट, पहले का सब पॉइंट करके, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अब देखिए अगर इसके पूर्व में देखें, यानी इस रीजन में देखें, तो पूर्व वाले रीजन में जो इसकी संरचना है, पूर्व वाले रीजन में ये वाली संरचना है जो आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, तो ऐसे करके विभक्त हो रहा है पूर्व से। पूर्व में क्या है, एशिया पड़ता है इसके, तो एशिया से कैसे विभक्त हो रहा है, देखिए पूर्व में इसके यूराल पर्वत पड़ता है ये वाला। ठीक है, यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत यहाँ पड़ता है एक। ठीक है, यूराल पर्वत है, कॉकेसस पर्वत है, और कैस्पियन सागर इसे जो है वो एशिया से अलग कर रहे हैं, यानी पूर्व में ऐसे यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, और जो आपका कैस्पियन सागर है ये। ठीक है, यानी ये आपका कॉकेसस पर्वत है हो गया, और ये आपका कैस्पियन सागर हो गया, ये कॉकेसस है, और ये वाला जो है कैस्पियन सागर है, और ये यूराल पर्वत है, ये इसे एशिया से अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लेना। देखिए अगर हम बात करें इसकी तटरेखा की, तो तटरेखा आप जान रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मैप में, जैसा कि बढ़ाई कड़ी छड़ी तटरेखा है, यानी कि ये आप तटरेखा आप देख पा रहे हैं, जैसा कि जूम करके मैंने दिखाया भी है आपको कि बढ़ाई कड़ी छड़ी तटरेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तटरेखा लिखेंगे आप, इसकी तटरेखा जो है बहुत ही दंतुरित है। अब देखिए यहाँ पर जो रूस का विभाजन किया गया है, सर रूस बोल रहा हूँ मैं, यूरोप का विभाजन किया गया है, ये राजनीतिक विभाजन किया गया है। तो राजनीतिक विभाजन के फलस्वरूप देखेंगे यहाँ कौन कौन से देश कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखे गए हैं, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो इसका उत्तरी भाग है, इसके उत्तरी भाग में जो है स्कैंडिनेवियन देश देखे जाएंगे इसके उत्तरी भाग में। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में स्कैंडिनेवियन देश मैं दिखा दे रहा हूँ आपका। ठीक है, आयरलैंड हुआ यहाँ पर आपका। ठीक है, आयरलैंड हुआ यहाँ पे, डेनमार्क हुआ यहाँ पर, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, ये जो देश हैं, ये देश यहाँ पर, इन सबको सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है, यानी कि आइसलैंड,
नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड को सम्मिलित रूप से यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बोला जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाएगा। देखिए अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, अगर हम इसे भौगोलिक रूप से अगर देखें तो भौगोलिक रूप से केवल और केवल आपके 3 देश ही ऐसे हैं जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं। लेकिन हमने बाद में क्या किया है, जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, इसके आधार पर हमने यहाँ पर डेनमार्क को, ये डेनमार्क कंट्री है, और आयरलैंड को इसे इसमें शामिल कर लिया स्कैंडिनेवियाई देशों में। ठीक है, तो ये नोट करके इसके नीचे आप लिख लेना आप, ठीक है, यही लाइन जो मैंने अभी बोली है कि भौगोलिक रूप से इसमें सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है, किंतु भाषा और संस्कृति के आधार पर डेनमार्क और आयरलैंड को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला जहां पर स्थिति यहां पर यह आती है, स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में देख ली है। अब देखिए यहां पर कुछ अन्य देश भी हैं, जैसे यहां पर जैसे कुछ अन्य देशों में हम देखते हैं कौन कौन से देश है, जैसे एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, सेकंड पॉइंट, यानी एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लाताविया, इनको बाल्टिक राज्यों के नाम से जाना जाता है, यानी बाल्टिक देश बोले जाते हैं ये। सेकंड पॉइंट आप देख लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप पूरा मैप मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, लिथुआनिया है, लाताविया, एस्टोनिया, इनको बाल्टिक देश बोला जाता है। बाल्टिक देश बोलने का रीज़न ये है कि इनके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है, यानी बाल्टिक सी का आप देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है ये बाल्टिक सी का है, तो इसलिए ये हिस्सा देख पा रहे हैं इसलिए ना बाल्टिक देश बोला जाता है। लिथुआनिया, लाताविया और एस्टोनिया, ये तीनों देश, ठीक है, हाईलाइट कर दिए मैंने, इन तीनों को क्या बोला जाता है, बाल्टिक देश बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं, स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन शामिल हैं, ठीक है, हर बार पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपका जो बेल्जियम है, यानी बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है, इनको हम निम्न भूमि का देश कहते हैं, यानी यहाँ पर बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश, या फिर इसे बेनेलक्स देश भी कहा जाता है, लिख दे रहा हूँ मैं, बेनेलक्स देश भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ, यूरोप के संदर्भ में जो आपका संगठन है, यानी देशों का संगठन जो विभिन्न नामों से जाना जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप याद रखना और इसे लिख लेना, यानी कि यहाँ पर जो आपका जो इनका संगठन है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, यहाँ पर और नीदरलैंड का संगठन है, इसे किसका, बेनेलक्स के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप संगठन आप देख पा रहे होंगे, ये लग्जमबर्ग ये हुआ साइड से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बगल में लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन्हें बेनेलक्स कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, और निम्न भूमि के देश है, यानी इनके पास जमीन ज़्यादा नहीं है, निम्न भूमि का देश इन्हें बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूगोस्लाविया, चौथा पॉइंट है आपका यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में यहाँ पे आपके मूलतः आपके कुछ कंट्री आ जाते हैं, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो आ जाते हैं यूगोस्लाविया में, सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो को सम्मिलित रूप से यूगोस्लाविया कहा जाता है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मैकडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ठीक है, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, ठीक है, और यहाँ पर एक अल्बानिया के अलावा एक और है देश जो कि बाद में बना है लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं किया है अभी, उसका नाम है कोसोवो, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से, कोसोवो एक देश और है, लिख लेना यहाँ पे कोसोवो, इनको यहाँ पे बाल्कन देश कहा जाता है। ठीक है, कोसोवो को क्या कहा जाता है, बाल्कन कंट्री कहा जाता है, बाल्कन राज्य इन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूगोस्लाविया में यहाँ पे आते हैं सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो को सम्मिलित रूप से यूगोस्लाविया बोलते हैं, फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्नियो हर्जेगोविना या मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया और कोसोवो को बाल्कन देश यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, बाल्कन कंट्री कहा जाता है। देखिए पहले क्या था, अब मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपका यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर का एक संगठन था, ठीक है, जिसके तहत ही सब लोग देश जुड़े हुए थे, 1993 में इसका विभाजन हो गया यूएसएसआर का, ठीक है, जिसे हम आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जो आपका यूएसएसआर का संघ था, रसिया वाला पूरा संघ था, उसका विभाजन हो गया, उसके फलस्वरूप ये सभी राज्य स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए, अपने अपना अलग एक वजूद बना लिया। ये आप देखिए यूएसएसआर की जो लिस्ट है, सोवियत संघ की जो लिस्ट है, यहाँ पे कौन कौन से देश शामिल थे यूएसएसआर में, सोवियत रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, मालदोविया, लाताविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ऐसे करके 15 देशों का संगठन था यूएसएसआर। तो उनके विघटन के बाद क्या हुआ, ये लोग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए और फिर इन्होंने अपनी अपनी जो रूल्स रेगुलेशन थे, अपनी अपनी जो कार्यवाहियाँ थी, अपने अपने देश का संविधान था अलग अलग प्रकार से, वो यहाँ पे वर्णित किया, वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने ये देश देख लिए, एक बार मैं मैप में फिर से दिखाना चाहूँगा कौन कौन से देश अभी आपने यहाँ पे फोकस किए हैं। देखिए ये मैप यहाँ पे देखिए मैप ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है ये वाला। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाए थे ये आपके जो देश यूगोस्लाविया बताया था, यूगोस्लाविया में सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो हैं, आप सर्बिया की यहाँ पे स्थिति देख पा रहे होंगे ये वाली। ठीक है,
क्रोएशिया देख पा रहे हैं, बुल्गारिया देख पा रहे हैं, रोमानिया, हंगरी, ठीक है, ये पूरा देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये सब देश यहीं पर इसी लाइन में व्यवस्थित हैं। ये देखिए ज़्यादा जूम नहीं है ये हिस्सा, ठीक है, ज़्यादा जूम हो नहीं सकता मेरे से, तो यहीं पर ये पूरा लाइन में स्थित हैं, ठीक है, जिन्हें हम बाल्कन देश कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम बाल्कन कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बाल्कन देश तो आपने देख लिए हैं, अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर इटली और ग्रीस, देखिए इटली और ग्रीस जो है, देखिए ग्रीस का प्राचीन नाम आपको पता होगा क्या था, प्राचीन नाम यूनान, ग्रीस को प्राचीन नाम जो था वो यूनान था, ब्रैकेट में लिख लेना यूनान, ठीक है, ब्रैकेट में यूनान। देखिए इटली और ग्रीस जो है वो दक्षिणी यूरोप के दो देश हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में, यानी कि यहाँ पर इटली है, देखिए ये मैप दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख पा रहे हैं इटली, देखिए ग्रीस का यहाँ पे जिक्र दिए है यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये मेरा कर्सर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, कर्सर यहाँ पर आपका इटली है नीचे की तरफ, अगर आप मेडिटेरेनियन सी में देखें, नोटिस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये जो है इटली वाला रीजन है और ये वाला ग्रीस वाला रीजन है, ये इसके दो दक्षिणी देश हैं यूरोप महाद्वीप के, इटली और ग्रीस, ठीक है, ग्रीस का प्राचीन नाम यूनान था, तो आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे इटली और ग्रीस यहाँ पर दक्षिणी यूरोप के दो देश हैं, ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन सभ्यता जहाँ पर विकसित रही है आप जानते हैं यूरोप के बारे में, यूनान, सॉरी यूनान के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए इटली की मुख्य भूमि में एक शहर, इटली की मुख्य भूमि में एक छोटा सा देश है जिसे हम वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, तो यहां पर आप पांचवें का सब पॉइंट करके लिख लेना आप, कि देखिए इटली की मुख्य भूमि में स्थित वेटिकन सिटी जो है, यानी इटली की मुख्य भूमि में स्थित वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी रोमन चर्च का मुख्यालय है, यानी रोमन जो कैथोलिक चर्च है इसका मुख्यालय है, ठीक है, और यहाँ पे पोप का निवास स्थान है, ये अक्सर पूछा जाता है, सबसे छोटा देश भी है ये दुनिया का, इसके अलावा यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक चर्च होता है, ठीक है, उसका ये मुख्यालय भी है वेटिकन सिटी, ये आप लिख लेना इसमें पांचवें का सब पॉइंट करके और इंपॉर्टेंट कर देना ये, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर छठवें पॉइंट की, नहीं ब्रिटिश द्वीप समूह, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह में यहाँ पर अगर बात करें छठा, ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह जो है आपका ये यहाँ से है छठा पॉइंट, ठीक है, इसमें आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, नाम के दो मुख्य द्वीप हैं और सैकड़ों यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर अनेक छोटे छोटे और द्वीप यहाँ पर सम्मिलित हैं, ठीक है, ये छठा पॉइंट आप लिख लेना। देखिए आयरलैंड में क्या क्या आता है, आयरलैंड में यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है यहाँ पे सब पॉइंट, इसका छठे का सेकंड सब पॉइंट, ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। छठे का थर्ड सब पॉइंट लिख लेना, देखिए यूके वर्ड सुना होगा आपने, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में आपका आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को रखा जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड मिलकर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा ये, देखिए मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप देख पा रहे हैं, ये आयरलैंड हुआ और ये यूनाइटेड किंगडम हुआ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में बताया था सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि देख सम्मिलित रूप से इसे बोल दिया जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे आयरलैंड के बारे में, आपको अभी आयरलैंड के बारे में ये बताया था मैंने यहाँ पर कि आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन में आपका स्कॉटलैंड, देखिए यहाँ पर इसे जूम नहीं कर सकते, इमेज है ये इसलिए, और स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं, इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ये शामिल हो जाता है, इसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, ठीक है, आप ये अवस्थिति देख पा रहे होंगे, ये यूरोप की मुख्य भूमि में नहीं है बल्कि एक प्रायद्वीप के रूप में देश है ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये मुख्य भूमि से नहीं जुड़े हैं बल्कि प्रायद्वीप के रूप में है, और यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे इनके मध्य यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल भी है, यानी कि ये इंग्लिश चैनल है, इसके नीचे ये इंग्लिश चैनल आप देख पा रहे हैं, ये सकरा समुद्र जो है इसे चैनल बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं यूरोप के भौतिक लक्षण, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप को भौतिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए यूरोप को यहाँ पर हमने चार प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त कर लिया है। पहला विभाग इसका जो है, पहली हेडिंग आपकी ये है, यह उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ, यानी उत्तर पश्चिम में पाई जाने वाली उच्च भूमियाँ हैं, इनके बारे में यहाँ बात की गई है, कौन कौन सी उच्च भूमियाँ हैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाली स्थिति है उत्तर पश्चिम उच्च भूमियाँ, यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर स्वीडन जो है आपकी, ये नॉर्वे है आपका ये, ठीक है, उत्तरी ये आप देख पा रहे होंगे, ये यूनाइटेड किंगडम का ये पूरा देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें ब्रिटिश द्वीप समूह आ जा रहा है, आयरलैंड, आयरलैंड वाला हिस्सा आ जा रहा है, ठीक है, तो ये उत्तरी यानी ये बोली जाती है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ बोली जाती हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि यह फिनलैंड से लेकर
स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से होता हुआ आइसलैंड तक फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इस उच्च भूमि को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, फैनो स्कैंडिनेपियन, फैनो स्कैंडिनेपियन शील्ड के नाम से इस भूमि को जाना जाता है। ठीक है, लिख लेना इसमें। अब देखिए ये जो शील्ड है ये धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड पॉइंट यहां लिख लेना, यहां पर इस क्षेत्र में जो है धात्विक खनिज जैसे लोहा तांबा काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो अवसादी चट्टाने हैं, ये अवसादी चट्टानों वाला पूरा क्षेत्र है यहां पर, तो अवसादी चट्टानों में यहां पर जैसे क्या पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में आपके फॉसिल जो फ्यूल होते हैं, फॉसिल ईंधन जो होते हैं वो पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। लेकिन यहां की अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन का जो है अभाव है, नहीं पाए जाते हैं। तो यहां लिख लेना थर्ड का सब पॉइंट, लेकिन यहां अवसादी चट्टानों से संबंधित जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो ये शील्ड है, ये पूरी शील्ड है, इस शील्ड का जो पश्चिमी भाग है, तो यहां पर मोड़ पड़ने से क्या हो गया है, या नॉर्वे के तट पर यहां पे क्या बन गया है, फ्योर्ड बन गए हैं, फ्योर्ड जैसी आकृतियां बन गई हैं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट आप लिख लेना कि इस शील्ड के पश्चिमी भाग में मोड़ पड़ने से नॉर्वे के तट पर, ठीक है, फ्योर्ड बन गए हैं, नॉर्वे के तट पर फ्योर्ड बन गए हैं जिनमें जो है अब सागर का जल भर गया है। फ्योर्ड में बता रहा हूं, फ्योर्ड होता क्या है, अभी आप थोड़ा तसल्ली रखें। देखिए ये रहा आपका मैप, यानी कि यहां हम आपको बताया था नॉर्वे के तट पर फ्योर्ड बने, फ्योर्ड का मतलब होता है देखिए समुद्र जो होता है, मान लीजिए कहीं स्थल है, ये आपका पूरा मुख्य स्थल है, ऐसे करके ये मुख्य स्थल है। ठीक है, अब समुद्र ने यहां पे रास्ता कर लिया, समुद्र ने इसे काट दिया, इसके भूमि भूमि क्षेत्र को काट दिया और सकरे रूप में ऐसे घुसता चला गया अंदर, ऐसे करके घुसता चला गया और जो पूरा काट के यहां पे ये साइड से पहाड़ी रूप हो गया ये। ठीक है, तो ये संरचना जो बनेगी, लंबी और सकरी संरचना जो बनेगी, बहुत ज्यादा गहरी संरचना जो बनेगी, यहां पे समुद्र का जल भरा हुआ है, इसे हम फ्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे फ्योर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये लंबी सकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजा जो काफी दूर तक स्थल भागों में चली जाती है उसे हम फ्योर्ड कहते हैं। तो ये नोट में करके लिख लेना इसके नीचे ताकि आपको याद रहे फ्योर्ड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपने फ्योर्ड देख लिया। अब बात करते हैं यहां पर यूरोप के उत्तरी मैदान की, यानी अब तक तो आपने उत्तर पश्चिम भूमियों के बारे में देख लिया, अब सेकेंड हेडिंग है यूरोप का उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में क्या क्या आ जाता है, देखिए यूरोप का जो उत्तरी मैदान है, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये यूराल पर्वतों से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर जो है यहां तक फैला हुआ है, यानी यूराल पर्वत ये वाला हिस्सा है और यहां से लेकर कहां तक ये फैला हुआ, अटलांटिक महासागर तक ये पूरा उत्तरी हिस्सा जो फैला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप लिख लेना यहां पर, आप इसमें पहला पॉइंट कि ये मैदान पूर्व में यूराल पर्वतों से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैले हैं उत्तरी मैदान। ठीक है, अब देखिए ये जो है पूर्वी भाग में यहां पर जो है अधिक चौड़े हैं, ये पूर्वी भाग में जो है क्या क्या है, इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पश्चिम की ओर ये सक्रिय होते चले गए, यानी पश्चिम वाला आप हिस्सा देख पा रहे होंगे कटा छटा हिस्सा है, तो पश्चिम की ओर ये वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे हैं कम चौड़ा है, कटा छटा है, तो यहाँ सक्रिय होते चले गए, पूर्व में इनकी देख रहे हैं चौड़ाई काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी में सब पॉइंट करके आप लिख लेना यहां पर कि यहां पर इसके सब इनके सब पॉइंट लिख लेना कि ये मैदान पूर्वी भाग में अधिक चौड़े, ठीक है, तब पश्चिम की ओर सक्रिय होते चले गए हैं। ठीक है, ये लिख लेना इसमें। देखिए यहाँ पर इनके उत्तर में बात करें, इनके उत्तर में मैप यहीं है, इनके उत्तर में क्या है, यहाँ पे श्वेत सागर है, ये ऊपर वाला सागर जो मैंने बताया था, इनके उत्तर में क्या पड़ रहा है, ये श्वेत सागर पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव सागर यानी श्वेत सागर, क्योंकि इसमें बर्फ वगैरह जमी रहती है इसलिए श्वेत सागर की संज्ञा दी गई है, सफेद सागर। ठीक है, और इसके उत्तर पश्चिम में उच्च जो है भूमियाँ हैं, ठीक है, उच्च भूमियाँ हैं, और दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं, दक्षिण में क्या है, दक्षिण वाला हिस्सा इसका ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, तो लिख लेना आप यहां पर। ठीक है, इसके सब पॉइंट में इसके उत्तर में श्वेत सागर तथा उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, ठीक है, और दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में जो ये क्षेत्र था, उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र था, यहां पर अच्छी खासी खेती होती थी, बहुत खेतियार क्षेत्र था ये। ठीक है, आगे यहां पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट यहां पर कि यह प्राचीन काल से ही एक खेतिहर क्षेत्र रहा है। ठीक है, जो कहीं कहीं पर सामान्य है, यानी कहीं कहीं पर समतल है और कहीं कहीं पर उर्मिल या तरंगित है, यानी कहीं कहीं पर कर्व टाइप है, ऐसे करके कर्व टाइप उठा हुआ है। ठीक है, तो आप यही लिख लेना सेकंड पॉइंट करके, यह प्राचीन काल से ही एक खेतिहर क्षेत्र रहा है जो, देखिए यहां पर शायद कट गई है वो, इसी में लिख लेना, जो सामान्यतः समतल है लेकिन कहीं कहीं ये उर्मिल या तरंगित है, उर्मिल का या तरंगित पर्यायवाची है, तरंग तरंग का, उर्मिल या तरंगित है। ठीक है, जैसे तरंग आपने देखी हो, वेव
ऐसे करके वेव होती है, ऐसे करके कि कहीं कहीं है, तरंग के रूप में भी चित्र है, ठीक है, तरंगित भी होगा, ऐसे लिख लेना आप। देखिए ये मैदान जो है यहाँ पर नौगम में जो है यानी नौका चलाने योग्य, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां भी अवस्थित हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इस मैदान में जो है बड़ी बड़ी नाव्य यानी नौका योग्य, नौ संचालन के लिए योग्य नदियां भी हैं, ठीक है, यानी इस मैदान में बड़ी बड़ी नाव्य नदियां हैं। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए यहाँ पर राइन और सीन, यहाँ पर राइन और सीन है, ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो क्रम से कहाँ कहाँ गिरती हैं, ये उत्तरी सागर में और इंग्लिश चैनल में गिरती हैं। आपको फिर से दिखा रहा हूँ, उत्तरी सागर में और इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ रहा है, जहाँ पर ये नदियाँ गिर रही हैं। देखिए मैं फिर से मैप दिखा रहा हूँ, ये तो रहा इंग्लिश चैनल, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये उत्तरी सागर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये हिस्सा जो यानी ये यहाँ पर एक नदी यहाँ आगे गिर रही है और एक यहाँ पर गिर रही है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए राइन नदी जो है ये अपनी दरार घाटी के लिए फेमस है, यानी इसके आसपास जो है पूरा दरार वाला एरिया है, तो दरार घाटी में होकर बहती है ये, तो दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नदियाँ हैं इस क्षेत्र की, उत्तरी मैदान की, यहाँ पर डेन्यूब, नीपर, डॉन और बोलगा, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। देखिए जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में यहाँ पर कई जगहों पर जीवाश्म ईंधन के काफ़ी सारे निक्षेप पाए जाते हैं, यानी इस मैदान में कई स्थानों पर उत्तम कोटि के जीवाश्म ईंधन के निक्षेप पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये मत लिखना पूरा, केवल ये लिखना जीवाश्म ईंधन के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यूरोप के उत्तरी मैदान की स्थिति हो गई। अब जानते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियां उनकी क्या स्थिति है, इन थर्ड हेडिंग आपकी यही है कि मध्यवर्ती उच्च भूमियां उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। देखिए मध्यवर्ती जो इलाका है यहाँ का, जो मध्यवर्ती ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये मध्यवर्ती इलाका है ये, ठीक है, यहाँ यहाँ पर ये मेरे रेड लाइनें चल रही हैं, ये मध्यवर्ती इलाका है पूरा। तो मध्यवर्ती क्या है, देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमियों में यहाँ पर विविध प्रकार के पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं और पठार भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिख लेना, इनमें विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार शामिल हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है स्पेन और पुर्तगाल के मैसेटा, स्पेन और पुर्तगाल के क्या मैसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती मैसिफ और जूरा पर्वत, ठीक है, यानी कि यानी यहाँ पर बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, यानी पर्वत पहाड़ियों में, स्पेन और पुर्तगाल के मैसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती मैसिफ तथा जूरा पर्वत, फ्रांस का क्या क्या है, मैसिफ और जूरा पर्वत है, स्पेन पुर्तगाल का मैसेटा पर्वत है, और जर्मनी का क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, यानी जर्मनी में क्या पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है। और चेक तथा स्लोवाकी कम ऊंची वाली पर्वत श्रेणियां भी हैं, ये लिख लेना आप कि स्पेन पुर्तगाल की मैसेटा, फ्रांस का मध्यवर्ती मैसेफ तथा जूरा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और चेक तथा स्लोवाकी कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां इसी प्रदेश का भाग हैं, ठीक है। देखिए इस प्रदेश से होकर दो नदियां यहां पे बह रही हैं, ये लिख लेना आप कौन कौन सी दो नदियां हैं। देखिए यहां पर दो प्रमुख नदियां कौन, इस प्रदेश से होकर दो प्रमुख नदियां, ठीक है, कौन कौन सी, राइन उत्तर की ओर तथा रॉन दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। इस प्रदेश से होकर दो प्रमुख नदियां राइन उत्तर की ओर और रॉन दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। अब अगली यहां पर देख लेते हैं, इसकी अगली जो भूमि क्षेत्र है वो देख लेते हैं, आल्पस पर्वतमाला वाला, आल्पस पर्वतमाला वाला क्षेत्र जो देख लेते हैं, यानी चौथा सब हेडिंग आपकी यहां पर ये है, आल्पस पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, ठीक है। देखिए आल्पस वाला क्षेत्र जो है ये दक्षिण में पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, ये रीजन देख पा रहे हैं, ये आल्पस पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, इसका शायद मैप है, ये है, ये देखिए मैप आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आल्पस पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए किताब वाला ही मैप मैंने यहाँ पे लिया है, ये आल्पस पर्वतमाला वाला क्षेत्र है ये, ठीक है, दक्षिण में पड़ता है आल्पस पर्वत पूरा। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे चौथे हेडिंग डाली हुई आल्पस पर्वतमाला। देखिए यहाँ पर दक्षिण में जो है ऊंचे पर्वतों की एक श्रृंखला है, और इन पर्वतों का निर्माण ठीक उसी युग में हुआ है जब आपके अफ्रीका का एटलस पर्वत बनके तैयार हुआ, और उत्तर अमेरिका का रॉकी पर्वत जब बना था उसी दौरान इस पर्वत का भी विस्तार हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर इसकी एज के अकॉर्डिंग, इसकी आयुकाल के अकॉर्डिंग देखें तो ये उसी समय बनके तैयार हुआ था जब अफ्रीका का एटलस बना था और उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत बना था, ठीक है। जो इसका विस्तार है, यानी कि यहां पर अगर इसका विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। देखिए एक बार मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये मैप ज़्यादा बेटर है कि यहाँ अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में जो इसका जो कैस्पियन सागर है यहाँ तक इसका विस्तार हो जाएगा आल्पस का, पूरी ये श्रेणी है आल्पस की, ये पूरा दक्षिण में पड़ती है ये, ठीक है, लिख लेना आप इसमें सेकंड पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला जो है आल्पस है,
यानी कि जो ये पर्वतमाला पूरी है, ये पूरी पर्वतमाला जो है अल्पाइन पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है, अल्पाइन बोला जाता है इसे, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसमें। आल्पस तो एक छोटा सा पर्वतीय, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र बोला जा रहा है, लेकिन पूरी ये श्रृंखला जो है, यहाँ से लेकर पूरी ये श्रृंखला आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी श्रृंखला जो है अल्पाइन पूरी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, इसमें सब पॉइंट, सेकंड का सब पॉइंट, कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला आल्प्स है, आल्पस या आल्प्स है, ठीक है। और माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफी काफी बार कि जो माउंट ब्लांक है वो किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, आल्प्स पर्वतमाला की है। अगर हम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रोस है, ठीक है। तो यहां आप नोट करके यहां पे लिख लेना, नोट करके इसके नीचे लिख लेना कि यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रोस कौन सा है, एल्ब्रोस है, जिसकी ऊंचाई 5,630 मीटर है और ये कॉकेसस श्रेणी में पड़ता है। कॉकेसस माउंटेन जो मैंने दिखाया था आपको, जो कॉकेसस श्रेणी है ये वाली, तो कॉकेसस श्रेणी में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये एल्ब्रोस शिखर यहाँ पे बताया गया, एल्ब्रोस शिखर यहाँ पर है, ठीक है, कॉकेसस श्रेणी में अवस्थित है ये, ठीक है। ये लिख लेना आप नोट करके, ध्यान रखना आप अक्सर इस ये दो नाम दे दिए जाते हैं कि माउंट ब्लांक सबसे ऊंचा है या कॉकेसस का प्रेनीज यानी जो है यहां पर, ठीक है, ये वाला ऊंचा है, ठीक है। देखिए यहां पर नोट में ये लिख लिया होगा, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिख लेना है यहां पर। देखिए इस अल्पाइन पर्वतमाला की जो कुछ श्रेणियां और हैं, जैसे पिरेनीज है, कार्पेथियन है, कॉकेसस है, ये अन्य प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक है, यानी ये अन्य पर्वत श्रेणियां हैं कॉकेसस यानी अल्पाइन पर्वतमाला की, ठीक है। लिख लेना थर्ड पॉइंट करके, पिरेनीज, कार्पेथियन, कॉकेसस अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ये तो था, आपने यहां पर पूरा देख लिया, यहां पर यानी कि इसका जो पूरा भौतिक लक्षण आपने यहां पे देख लिए, यानी किस प्रकार से हमने भौतिक विभाजन किया है चार हिस्सों में, वो हमने देख लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ की जलवायु और वनस्पति भी देखना हमारे लिए बिल्कुल नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपने यहाँ पर यह देखा कि यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ ना कुछ विविधता है, हर क्षेत्र में भौतिक विविधता है, जलवायु की विविधता है, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ भौतिक विविधता है, जलवायु की विविधता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वनस्पतियों की भी विविधता पाई जाएगी। वनस्पतियां भी यहाँ पर पूरे यूरोप में एक जैसी नहीं उगती हैं, कहीं पर टुंड्रा वनस्पति है, कहीं टेंगा वाले शंकुधारी वन, कहीं पर्णपाती वन है, कहीं पे यहाँ पर जो है नीचे की तरफ अगर देखें तो जो है वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा वाले जो वन है उनकी उनकी स्थिति है, क्योंकि वहां पर गर्मी पड़ती है, ठीक है। साइडों में अगर इसकी हम बात करें पश्चिमी तटों की, पश्चिमी तटों पर सम जलवायु रहती है, क्योंकि वहां समुद्र का प्रभाव रहता है। तो ऐसे करके यहां पर विस्तार है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, देखिए यहां पर पहली बात तो यह, महाद्वीप का जो अधिकतर भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में फैला है, जैसा कि मैंने आपको ग्लोब पे दिखाया था। ये कहां पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में अभी इसकी स्थिति क्या है, उच्च अक्षांशों में, यानी शीतोष्ण कटिबंध वाले अक्षांशों में इसकी स्थिति है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। लेकिन उच्च अक्षांशों में होने के बावजूद भी इसकी जलवायु जो है मृदुल है, यानी बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, एकदम मृदुल जलवायु है, ज्यादा कठोर नहीं है, ठीक है, रहने लायक है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि उच्च अक्षांशों में तो ये होता है, आपने कनाडा के उच्च अक्षांश देखे थे, वहां पर तो लोग बिल्कुल रह नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी यूरोप में लोग रह रहे हैं। उसका रहने का रीजन ये है कि इसके आसपास की कुछ चीजें हैं, जैसे समुद्र वगैरह है, वो सब चीजें प्रभावित कर रही हैं, उसकी वजह से लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले का सब पॉइंट आप ये नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रदेश की जो जलवायु है, लिख लेना सेकंड में, इस प्रदेश की जलवायु जो है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है, लिख लेना। देखिए इस प्रदेश की जलवायु उच्चावच, सागरों से निकटता, पछुआ पवनों तथा अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक प्रभाव से प्रभावित होती है, ये लिख लेना, ठीक है। यानी इस प्रदेश की जलवायु उच्च जो है उच्चावच, सागरों से निकटता, पछुआ पवने तथा उत्तरी अटलांटिक प्रभाव जैसे कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए यूरोप का विस्तार देखें तो यूरोप का जो विस्तार है वो पछुआ पवनों, यानी कि इसका विस्तार जो है ये दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवने हैं, एक पछुआ पवने जो होती हैं, इनकी पेटी में इसका विस्तार है, ठीक है। यानी कि दिखा दे रहा हूँ मैं मैप में, जो दक्षिण पश्चिम से यहाँ से पवने चलेंगी, दक्षिण वाला हिस्सा ये हो गया और पश्चिम वाला हिस्सा ये हो गया, यानी यहाँ से चलने वाली पवने हैं, इन पवनों की पेटी में इसका विस्तार है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना थर्ड पॉइंट करके, मैं बता रहा हूँ यूरोप का विस्तार दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पछुआ पवनों की पेटियों में है, ठीक है। और इसी में आगे देखिए यूरोप में एक बात और है, ये जो पवने यहाँ से, दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक चलती हैं, तो यूरोप में ज़्यादातर पर्वत जो है एक तो नीचे है, फिर यहाँ पर यूराल पर्वत है, बीच में कोई ऐसा पर्वत नहीं है, बीच में कोई ऐसी संरचना नहीं है जिससे इन पवनों का अवरोध हो जाए और पवने अपनी हवा है या अपनी वायु है उसका मार्ग मार्ग प्रवर्तित कर लें, ऐसा कोई बीच में अवरोध नहीं है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो इन पवनों का मार्ग रोक सके। तो इस वजह से इन पवनों का प्रभाव समूचे यूरोप पर पड़ता है, ठीक है।
तो यहां पर आप लिख लेना इसी में ही आगे कि यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए ठीक है ये पवने इसलिए ये पवने देश के आंतरिक भागों में तक पहुंच जाती हैं और तापमान को मृदु बनाती हैं, ठंडा हल्का हल्का ठंडा बना देती हैं, ठीक कठोर नहीं रहने देती हैं। मतलब मृदु का मतलब ये होता है कि वहां पर जैसे शीतोष्ण कटिबंध के हिसाब से जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु में जो अवस्थित है पूरा यूरोप उस हिसाब से उतनी आठ भयंकर ठंड नहीं होती है वहां पर, थोड़ा तापमान थोड़ा हल्का नॉर्मल हो जाता है। ठीक है यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पर यही आ जाता है। ठीक है क्योंकि हवाएं जो होती हैं हल्के साथ अपनी गर्मी लेके आती हैं, ठीक है तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये सब पॉइंट लिख लेना, तो उत्तर अटलांटिक प्रवाह का जो गर्म है जल है, यानी कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह का जो गर्म जल है वो यूरोप के जल जो है पश्चिमी यूरोप के तटों यानी पश्चिमी यूरोप के तटों के सागरों को जमने नहीं देता है। ठीक है दिखा दे रहा हूं मैं, देखिए यहां पर आपका उत्तरी अटलांटिक का ये जल है, गर्म जल है, ठीक है उत्तरी अटलांटिक का जो गर्म जल है वो पश्चिमी यूरोप जो है ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है इनके आसपास के सागरों को जमने नहीं देता है। क्योंकि आप तो को पता है ये तो उच्च अक्षांशों में से शीतोष्ण कटिबंध में पूरा यूरोप स्थित है, तो यहाँ के सागर ठंडे होने चाहिए थे। अब यहां पर ये उत्तरी अटलांटिक वाला जो जल है वो गर्म जलधारा का है, तो ये यहाँ के जो सागर है उनको जमने नहीं देता है। जब सागर जमेंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ वाले प्रदेश होंगे, यहाँ के जो इलाके होंगे समुद्र के आसपास वाले इलाके होंगे उनका मौसम सम रहेगा, या ना ज्यादा ठंड रहेगी ना ज्यादा गर्मी रहेगी। दूसरी बात यह होगा कि यहाँ से चलने वाली जो हवाएं वगैरह होंगी, क्योंकि यहाँ के सागर जब गर्म रहेंगे तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जन भी होगा, वाष्पीकरण होगा, तो जो हवाएं यहाँ से चलेंगी वो अपने साथ यहाँ से नमी बटोर लेंगी और नमी बटोरने के उपरांत जब अंदर घुसेंगी तो यहाँ पर वो वर्षा करते हुए चलेंगी। ठीक है तो यहाँ पर आप इसमें लिखने ना थर्ड का सब पॉइंट कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिमी यूरोप, उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल यूरोप के पश्चिमी तटों के सागरों को जमने नहीं देता। ठीक है और यहीं लिख लेना यहां से, देखिए मैं ये बता दिया यहां से अपनी भाषा में लिखवा दे रहा हूं, शॉर्ट हो जाएगा, यहां शॉर्ट हो जाएगा कि यहां से पछुआ पवने नमी लेकर पूरे साल अच्छी वर्षा करती हैं। ठीक है यहां से पछुआ पवने नमी लेकर पूरे साल अच्छे से अच्छी वर्षा करती हैं। और देखिए वर्षा जो जहां पर होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है, यानी ये वाला हिस्सा जो है वेस्ट वाला रीजन है और ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट वाला रीजन, यानी ये पश्चिम वाला रीजन है। तो जब यहां से हवा प्रवेश करेगी तो वर्षा जो है यहां से होती चलेगी, यहां से होती जाएगी ये वाली वर्षा। ठीक है ये वर्षा यहां से होती जाएगी और यहां कम होती चली जाएगी, पूर्व में कम होती चली जाएगी। तो इसी में लिख लेना थर्ड का सब पॉइंट में कि ये जो है हमने बताया था यहां से पछुआ पवन नमी लेकर पूरे साल अच्छी वर्षा करती है और वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, वर्षा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है लिखा भी है वर्षा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ठीक है घटती जाती है। ठीक है अब यहां पर जो पश्चिमी पवने हैं यानी पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों से निकटता की वजह से क्या है कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु कोष्ण होती है यानी गर्म होती है और शुष्क ऋतु शीतल रहती है। शुष्क ऋतु यानी इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पाती है, इतनी ठंडी नहीं हो पाती है, मतलब शीतल रहती है, आदमी मतलब आराम से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है तो यहां अगला सब पॉइंट लिख लेना थर्ड का कि पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों और समुद्र से निकटता के कारण ग्रीष्म ऋतु ठीक है कोष्ण यानी गर्म तथा शीतल शीत ऋतु शीतल रहती है। ठीक है देखिए इस प्रकार की जो जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु को हम क्या कहेंगे महासागरीय जलवायु, इस प्रकार की महासागरीय जलवायु को यहां पर हम पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं, ये लिख लेना आप। ठीक है यानी पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों और समुद्र से निकटता के कारण ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु शीतल रहती है और तापमान पूरे वर्ष लगभग सम रहता है, और तापमान जो है पूरे वर्ष सम रहता है एक समान रहता है। ठीक है और इस प्रकार की महासागरीय जलवायु को यहां पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं। ठीक है अब देखिए यहां पर एक बात और लिखने की जरूरत है, यहां पे सब पॉइंट करके लिखने की जरूरत है, यहां पे थर्ड का अगला सब पॉइंट है, थर्ड का ये आई थिंक कौन सा सब पॉइंट है, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है ये वाला। देखिए यहां पर महासागरों का समताकारी प्रभाव है, सम प्रभाव है, पूर्व की ओर घटता जाता है। समताकारी का मतलब जानते होंगे, सम का मतलब होता है कि ना तो ज्यादा ठंड और ना ज्यादा गर्मी। अब यहां से जैसे समुद्र से जैसे दूरी बढ़ती जाती है समताकारी प्रभाव का मतलब ये होगा कि यहां पर ठंड बढ़ती जाती है और गर्मी यहां पर कम होती चली जाती है। ठीक है तो ये यहां पर कहा गया है, तो लिख लेना कि महासागरों का समताकारी प्रभाव पूर्व की ओर घटता जाता है। ठीक है अब नोट करके कुछ यहां पर लिख लेना आप, जैसे यहां पे महाद्वीपीय जलवायु के बारे में यहां पे बताया गया है, या नोट मत करिए अगला पॉइंट ही कर लीजिए, ये नोट मत करिए, यहां पे आप चौथा पॉइंट करके कर लीजिए, यहां पे मैं बोलता जा रहा हूं। देखिए यहां पर मध्य और पूर्वी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु गर्म और शीत ऋतु जो है वो बहुत ठंडी होती है,
और वर्षा भी यहाँ पे कम होती है, यानी मध्य और पूर्वी यूरोप में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है और वर्षा कम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट, देखिए ऐसी जलवायु जिसके वार्षिक तापांतर में बड़ी भिन्नता रहती है उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का अर्थ यही होता है कि जिसके तापमान में एक बड़ी बहुत बड़ी जो है भिन्नता रहे उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ये लिख लेना आप इसी में चौथे का सब पॉइंट करके। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, आपने बीच वाली स्थिति देख ली, मध्य यूरोप की स्थिति देख ली। ठीक है, अब दक्षिण की स्थिति क्या है वो भी हम देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट यहां लिखेंगे आप। देखिए यहां पर अगर दक्षिणी यूरोप की बात करें तो दक्षिणी यूरोप जो है वो ग्रीष्म ऋतु में जो अपतटीय पवने हैं यानी स्थल से चलने वाली पवने हैं इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, अपतटीय पवनों के क्षेत्र में आ जाता है और यहां पर वर्षा केवल और केवल शीत ऋतु में ही हो पाती है, ग्रीष्म ऋतु पूरी शुष्क निकल जाती है। ये वाला क्षेत्र बता रहे हैं, ये वाला रीजन, ये रीजन है दक्षिण वाला रीजन। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ बिल्कुल शुष्क रहती है, यहाँ पे अपतटीय पवने चलती हैं, इन तट से हटके चलने वाली पवने, स्थल से चलने वाली पवने वो चलती हैं, केवल यहाँ पर अपतटीय पवने चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर शुष्क पूरा मौसम रहता है, यहाँ पे क्योंकि वो अपतटीय पवनों चलने की वजह से यहाँ पे बारिश वर्षा बादल नहीं बन पाते, बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती है। ठीक है, केवल वर्षा यहाँ पे शीत ऋतु में ही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना यहाँ कौन सा पॉइंट था। ठीक है, केवल शीत ऋतु में ही होती है पांचवा पॉइंट था। ठीक है, इसी में सब पॉइंट देखिए, यहां पर ग्रीष्म ऋतु लंबी गर्म और शुष्क। ठीक है, यहां पर जो लिख लेना आप, ग्रीष्म ऋतु लंबी शुष्क और गर्म, गर्म और शुष्क होती है। शीत ऋतु कॉन्स्टेंट तथा आर्द्र होती है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है हल्की गर्म और आर्द्र का मतलब होता है आर्द्रता युक्त, नमी युक्त। ठीक है, और ये जो जलवायु का लक्षण है ये भूमध्य सागरीय जलवायु का लक्षण है। भूमध्य सागरीय वर्षा जो होती है कब होती है, वो सर्दियों के महीनों में होती है, शीत ऋतु में होती है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु का लक्षण यही होता है, जब मैं जलवायु वाली चैप्टर पढ़ाया था नाइन्थ में तो मैंने बताया भी था। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा कि ग्रीष्म ऋतु लंबी गर्म और शुष्क होती है, शीत ऋतु कॉन्स्ट और आर्द्र होती है, इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ये पांचवें का सब पॉइंट था। ठीक है, अब यहां पर जो आर्कटिक वृत्त वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो देख रहे होंगे इस साइड वाला यहां तक। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ठंडी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहां लिखेंगे आप अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, देखिए आर्कटिक, जो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसे, तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर की जलवायु जो है अत्यंत ठंडी है। ठीक है, यानी यहाँ की जलवायु चूंकि ध्रुवों के पास पहुंच जाते हैं, ध्रुवों से नजदीक है ये हिस्सा। ठीक है, तो इसकी जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है, यहाँ पर जो गर्मी की ऋतु होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। ठीक है, और वर्ष के अधिकतर महीने जो है, वर्ष के अधिकतर महीनों में जो है भूमि जो है वो बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, लिख लेना आप कि आर्कटिक वृत्त के उत्तर की जलवायु बहुत ठंडी है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है और वर्ष के अधिकतर महीनों में भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो यूरोप की जलवायु है इसकी वनस्पति प्रारूपों को भी प्रभावित करती है, यानी वनस्पति भी इसकी इसी के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसी जलवायु यहाँ, यानी टुंड्रा जलवायु में टुंड्रा वाली वनस्पति, टैगा वाली में टैगा वाली वनस्पति, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पर अलग कुछ वनस्पति होगी। ठीक है, तो ये वनस्पति के प्रारूपों प्रतिरूपों को भी निर्भर करता है, प्रतिरूपों को भी प्रभावित करती है जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सातवां पॉइंट, यूरोप में वनस्पति पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है, यहाँ पर लिख लेना आप सातवें का सब पॉइंट, पहला पॉइंट सब पॉइंट। ठीक है, भूमध्य सागरी जो प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है, तो इन प्रदेशों में वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में बहुत दिन तक, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर ये सूखे का सामना करना पड़ता है, यहाँ लिख लेना भूमध्य सागरी प्रदेशों में वृक्षों को सूखे का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उनका आकार छोटा होता है, जड़ें लंबी हो गई हैं, इसलिए उनका आकार छोटा, जड़ें, ठीक है, लंबी, जड़ें लंबी हो गई हैं। ठीक है, और पत्तियाँ जो हैं वो छोटी मोटी और चमकदार होती हैं। ठीक है, यानी जड़ें कैसी हो गई हैं, जड़ें लंबी हो गई हैं और पत्तियां कैसी हैं, छोटी मोटी और चमकदार हो गई हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। तो इस जगह पर कौन कौन से वृक्ष उगते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैतून, अंजीर, अंगूर और संतरे इस प्रदेश के सामान्य रूप से पाए जाने वाले मुख्य फल हैं। ये लिख लेना छठे का सब पॉइंट। ठीक है, अब जो टुंड्रा वनस्पति वाला क्षेत्र है वहाँ की स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी सातवें का सेकेंड सब पॉइंट, देखिए आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भागों में टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है और वहाँ केवल लाइकेन, काई और बोने पेड़ ही उगते हैं। आप जानते हैं टुंड्रा वनस्पति में क्या क्या उगता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल लाइकेन, काई और बोने पेड़ ही उगते हैं टुंड्रा वनस्पति वाले क्षेत्र में। ठीक है, यानी ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये वाला टुंड्रा वनस्पति वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं डॉट 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 वाला। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक
ठीक है, टुंडा वनस्पति का पूरा क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है टुंडा वनस्पति का ही है। तो यहाँ पर केवल केवल लाइकेन का ही और बौने पेड़ ही यहाँ पर उग पाते हैं, ठीक है। ये आपका मैप मैंने दिखाया है, किताब वाला ही मैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टुंडा प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, टैगा वनों की पेटी है, शंकुधारी वनों की पेटी है। आप देख पा रहे हैं शंकुधारी लंबे शंकु जैसे वृक्ष जो हैं इनकी पेटी पाई जाती है इनके दक्षिण में, टुंडा वनों के दक्षिण में। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर आपने सातवें का सेकंड सब पॉइंट लिख दिया है, तो सातवें का थर्ड सब पॉइंट अब आप लिखेंगे, ये टुंडा वनों की के नीचे दक्षिण में क्या है, टैगा वनों की पेटी है, शंकुधारी वनों की पेटी है। तो आप यहीं पर सातवें का थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, जो है टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा वनों के लंबे, ठीक है, वनों के वृक्ष लंबे सीधे और शंकु जैसी आकृति के होते हैं। टैगा वनों के वृक्ष लंबे सीधे और शंकु जैसी आकृति के होते हैं, ठीक है। इसी में लिख लेना चीड़, स्प्रूस और देवदार यहाँ के सामान्य वृक्ष हैं, ठीक है। और इन वनों में समूरधारी जानवर पाए जाते हैं, सेवल, मिंक और गिलहरी। समूर का मतलब फर वाले, इनके ऊपर फर टाइप होते हैं, यानी छोटे छोटे रोएदार बाल टाइप होते हैं, घने बाल टाइप उनके पीठ के ऊपर होते हैं, रोएदार बाल टाइप होते हैं, फर जिन्हें बोलते हैं, फर बोलते हैं अपने आम बोलचाल में, ठीक है। तो उन्हें समूरधारी बोला जाता है, समूर बोला जाता है, फर वाला जानवर बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें सेवल, मिंक और गिलहरी ऐसे कुछ जानवर हैं यहाँ के, ठीक है, लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर सातवें का चौथा सब पॉइंट है। अब देखिए टैगा के दक्षिण में, यहाँ पर जो टैगा का दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पर मिक्स भूमि पाई जाती है। टैगा के दक्षिण में यहाँ पे मिक्स एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सातवें का चौथा सब पॉइंट कि टैगा के दक्षिण में मिश्रित वनों की पेटी में शंकुधारी और पर्णपाती वृक्षों की प्रधानता है, ठीक है। लिख लेना आप टैगा के दक्षिण में, यानी कि ये जो टुंड्रा के नीचे टैगा आएगी, टैगा के बाद आएगी, टैगा के नीचे दक्षिण में मिश्रित वनों के में, टैगा के दक्षिण में मिश्रित वनों की पेटी में शंकुधारी और पर्णपाती वृक्षों की प्रधानता है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और ये कौन कौन से पक्षी यहाँ पे फेमस है, लिख लेना पर्णपाती, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना पर्णपाती बोल रहा हूँ मैं, बांझ, एस तथा पॉपुलर इस प्रदेश में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये आपका सातवें का चौथा सब पॉइंट भी पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो यूरोप में है ये स्टेप्स पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ भी पाई जाती हैं। पूरा जो है इससे आप देख पा रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियों का है पूरा हिस्सा, यहाँ से लेकर ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, ठीक है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी ये घास भूमियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधी जो घास है यहाँ की, वो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरिस घास है उसकी तुलना में छोटी होती है। प्रेरिस घास तो बहुत लंबी लंबी होती है, यानी ये वहाँ पर लगभग एक आदमी की हाइट तक की होती है घास, इतनी लंबी होती है, जबकि ये घास इतनी लंबी नहीं होती, ये घास ये छोटी होती है, स्टेपीज वाली घास, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, अब आप आठवां पॉइंट, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है, विस्तृत घास भूमियाँ हैं जिन्हें यहाँ स्टेप्स या स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज भी बोला जाता है, ठीक है, स्टेप्स या स्टेपीज कहते हैं, ध्यान रखना। और कैसी घास भूमियाँ हैं ये, शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ हैं, ये नाम पूछा जाता है, ये कैसी भूमियाँ हैं, ये शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं, शीतोष्ण कटिबंध वाली घास भूमियाँ हैं ये, ठीक है, ये लिख लेना ब्रैकेट स्टेपीज के आगे, शीतोष्ण कटिबंध वाली घास भूमियाँ हैं ये लिख लेना, शीतोष्ण कटिबंध लिख लेना आप, ठीक है, समझ जाएंगे ये शीतोष्ण कटिबंधी घास है स्टेपीज, ठीक है, ये लिख लेना आप। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियाँ, इन्हें यहाँ स्टेप्स या स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका की प्रायरी की तुलना में काफ़ी छोटी होती हैं, यानी यहाँ की उत्तर अमेरिका की घास की तुलना में यहाँ की घास छोटी होती है, लिख लेना आप, ठीक है। आठवें का सब पॉइंट, देखिए ये घास भूमि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, देखिए ये घास भूमि जो है रोमानिया में डेन्यूब की नदी की घाटी से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली है, ठीक है। और देखिए हंगरी का जो मैदान है वो भी इसी घास भूमि का ही विस्तार है, ठीक है। तो ये तो आपकी आज यूरोप के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपने क्लियर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारे बाद बाकी यूरोप से संबंधित दो तीन वीडियो, तीन वीडियो और रह गए हैं, उनमें यूरोप के जो विभिन्न देश हैं, जैसे आपका रशिया के बारे में बताया गया है, कुछ नॉर्डिक देश जो हैं, ठीक है, यानी कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हैं आपके, डेनमार्क, आयरलैंड है, आइसलैंड है, इनके बारे में बताया गया है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया, यानी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देशों को अलग से फिर से रखा गया है, यानी उन उन देशों की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन हर बार उठ के आते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे वाले पार्ट जो है यूरोप के उनमें देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा,
देखिए इस लेक्चर से संबंधित आपका जो एमसीक्यू वाला वीडियो है उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी आपने चैप्टर से जितना भी सीखा है उसको एमसीक्यू के रूप में आप जाके लगा लें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। देखिए आप लोगों से एक गुजारिश मेरी ये है कि यूरोप कॉन्टिनेंट को सिंसियरली पढ़ें, यूरोप कॉन्टिनेंट से प्रत्यक्ष रूप से हर बार बड़े जो ज्योग्राफी वाली की बात करें तो हर साल हर एग्जाम में यूरोप कॉन्टिनेंट से एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट से प्रत्यक्ष रूप से बिलोंग करता होगा, ठीक है। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा भी है बहुत सारे एग्जाम में। तो आप यूरोप कॉन्टिनेंट को सिंसियरली पढ़ें, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह, अगर आप मैप से समझेंगे, मैप से जानेंगे तो इतना टफ नहीं है ये मैप से। देखिए कुछ लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि सर ऑक्सफोर्ड एटलस हम नहीं ले पाए हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड एटलस क्या हिंदी में भी आता है। देखिए ऑक्सफोर्ड एटलस जो है हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, दोनों तरह से आता है। दूसरी बात जो ये है कि जिनके पास यहाँ पर मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी हैं टेंथ में पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, अभी वो एटलस वगैरह नहीं लेना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है भाई आगे चल के शायद ये किताबें अपडेटेड होंगी तो अभी नहीं लेना है हमें, तो वो लोग क्या किया कीजिए कि आप लोगों के फ़ोन में गूगल मैप्स होता है, तो जितना मैंने बता दिया आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना गूगल मैप्स खोलिए और जूम करके वहीं देख लीजिए मैप पर कि भाई ये चीज़ यहाँ पर अवस्थित है, ये इसके बगल में ये सागर पड़ रहा है, इसके बगल में ये सागर पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए विकल्प के तौर पे बताया मैंने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, हर अभ्यर्थी को ये लाइक शेयर करनी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।